हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने शत प्रतिशत ऑनलाइन दाखिला करने में कामयाबी हासिल की है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल के अनुसार ऑनलाइन दाखिला से जहां अभिभावकों को होने वाली परेशानी से निजात मिली है, वहीं छात्रों को अपने ट्रेड चुनने में भी दिक्कतें नहीं आई हैं। ऑनलाइन दाखिले करवाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया है, जहां पर सभी दाखिले ऑनलाइन हुए हैं। वहीं रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी को भी संस्थान में लागू किया है, जिससे सभी को सुविधा मिली है। इससे पहले संस्थान में छात्रों के साथ अभिभावकों को भी बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। एचपीटीयू के उप कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने बताया कि पूरे प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने ऑनलाइन दाखिले करवाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि अगले सत्र से बीटेक बी फार्मेसी छात्रों को अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि मातृभाषा में लिखने के लिए छात्रों को सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में केवल अंग्रेजी में ही पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब पहली बार अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी जोड़ा है, जिसे अगले सत्र से पूरी तरह से हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। लगता है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर इस वर्ष कंप्लीट 100% ऑनलाइन एडमिशन हमने की हैं। हालांकि हमने डिसीजन लॉकडाउन से पहले ले लिया था कि हम कोशिश करेंगे कि इस विश्वविद्यालय में सारी की सारी जो अगली एडमिशन्स होंगी इस सत्र की, वो हमारी ऑनलाइन होंगी। लेकिन हमने ईआरपी के माध्यम से, जो हमने इस विश्वविद्यालय में ईआरपी को इंट्रोड्यूस किया है, ईआरपी के माध्यम से इस बार 100% हमारी लगभग एफिलिएटेड जो हैं 53 के आसपास कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस को लेकर के हमारी ऑनलाइन एडमिशन हुई हैं और बहुत सक्सेसफुली हमने इस बार। अदरवाइज पहले ऐसा होता था कि एक डेढ़ महीने तक जो है बच्चे के पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे, तो इस बार हमने किसी को परेशानी नहीं होनी थी और बहुत अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से हमने इस बार ऑनलाइन एडमिशन हमने की है और ये प्रक्रिया आगे चालू रहेगी। ऑनलाइन एडमिशन के जरिए हमने कई चरणों में की है। प्रथम चरण हमने पहले कंप्लीट किया था, फिर द्वितीय चरण था, तृतीय चरण था। ऑनलाइन के बाद भी हमें जहाँ ऐसा लगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में या कुछ कॉलेजेस में जो सीटें खाली रह गई हैं, उसमें हमने स्पॉट वहाँ पर एडमिशन्स का अलाउ किया था, वो भी हमारी बंद हो गई है। अभी एसीटी ने एक स्पेशल स्पॉट काउंसलिंग के लिए अलाउ किया था, जहाँ जहाँ सीटें बची थी वहाँ पर हमने स्पॉट एडमिशन हमने वही कॉलेजेस में हमने अलाउ किया था। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो लगभग फुल हो गई हैं। इंजीनियरिंग के कई ट्रेड हैं जहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और आर्किटेक्चर की पूरी हो गई हैं, फार्मेसी की पूरी हो गई हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीटें कुछ खाली रह गई हैं, अभी भी खाली रह गई हैं प्राइवेट में। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ना केवल राज्य का बल्कि इस देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जहाँ अगले सत्र से विद्यार्थियों को बीटेक यानी कि टेक्निकल में एजुकेशन भी, फार्मेसी की एजुकेशन द्विभाषा बाईलिंगुअल दी जाएगी। यानी कि टू स्टार्ट विद वी हैव टेकन ए डिसीजन दैट द एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन टू लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश और हिंदी। अभी तक इंग्लिश में ही विद्यार्थी को पेपर आता था, विद्यार्थी इंग्लिश में लिखते थे। कई विद्यार्थी जो रूरल बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। हालांकि बेशक ठीक है, टीचर्स पढ़ाएं, इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाएं, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करते हैं, जो उनको आइडियाज़ आते हैं, वो जो आइडियाज़ अपनी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाते थे, तो उनको हमने एक फैसिलिटी दी है। हमने दो तरह के डिसीजन लिए हैं। इस सत्र से हमारे पास जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वहाँ पर लेकर के अभी तक केवल और केवल इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट था, पहली बार हमने इंग्लिश के साथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो इस सत्र से कर दिया है, और अगले सत्र से हम इसको पूरा का पूरा सिलेबस को बाइलिंगुअल कर रहे हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में 53 निजी व सरकारी कॉलेजों ने संबंध है, और तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, MBA, B Pharma, नर्सिंग, BTech, MTech, BBA इत्यादि कोर्स करवाए जा रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार कोरोना संकट के चलते 100% दाखिले ऑनलाइन किए जाने पर पूरे प्रदेश के छात्रों के साथ अभिभावकों को भी राहत मिली है।